ये लड़का क्यों एटीएम कार्ड पे ब्लैक स्प्रे मारता है? दरअसल ये लड़का एक चोर है और वो आगे खड़े लड़के का एटीएम कार्ड चुराने के लिए ये ऐसा करता है। उसके बाद वह लड़का डुप्लीकेट कार्ड सर्विस बॉक्स में रखकर उसका एटीएम कार्ड ले लेता है। और जब वो एटीएम से पैसा निकालता है तो पैसा नहीं निकला है, तभी वो चोर उस एटीएम का पिन देख लेता है। तभी उस लड़के से वो चोर पूछता है, क्या हुआ, आप परेशान हो? तो वो लड़का कहता है, मेरे पैसे नहीं निकल रहे। तभी वह चोर कहता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप दूसरे एटीएम में ट्राई करें। और वो लड़का चला जाता है। तभी वह चोर उस लड़के के कार्ड से पैसा निकाल कर चला जाता है। तभी उस लड़के के मोबाइल में एसएमएस आता है और वो कहता है, ऐसे कैसे मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, मैंने तो निकाले नहीं और एटीएम भी मेरे पास है। और वो चोर पैसा निकालकर बाइक खरीदने के लिए जाता है। तभी वह बाइक का मालिक उसे 1,00,000 की कीमत कहता है, पर उसके पास 50,000 ही थे, तो वह 50,000 देता है और बाइक ले लेता है। इस चोर के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 दिन में आपको खुशखबर मिलेगी। अब तभी वह लड़का उसके फ्रेंड से बात करते हुए घर ही जा रहा था और इतने में आगे वो चोर का एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए कहते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है।